महाराष्ट्र का बीड जिला आजकल चर्चा में है। कारण है वहां का गांव लावूल, जिसमें बंदरों ने पिछले 3 महीने से आतंक मचा रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बंदर अपने एक बच्चे की हत्या का बदला 100 से अधिक कुत्ते के पिल्लों को मारकर ले चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि 3 महीने गुजरने के बाद भी इनका उत्पात कम नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये लंगूर इतने आक्रोशित क्यों हैं? तो आइए जानते हैं इन बंदरों के गुस्से का असली कारण। पर इसे समझने से पहले इन लंगूरों के बारे में जानना जरूरी है, तभी आप इनके गुस्से को सही ढंग से समझ पाएंगे। ग्रे लंगूर के नाम से मशहूर ये बंदर हनुमान लंगूर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये आकार में लगभग 2 फुट के होते हैं, लेकिन इनकी पूंछ इनके शरीर की तुलना में बड़ी होती है। ये बंदर 12 से 15 फीट की दूरी को आराम से फांद लेते हैं और लाल बंदरों की तुलना में शांत होते हैं। नर लंगूर मादा की तुलना में बड़े होते हैं और वे ही झुंड के मुखिया होते हैं। मुख्य रूप से पत्तियां और फल फूल खाने वाले ये बंदर 20 से 30 के झुंड में रहना पसंद करते हैं। लंगूर के पैदा होने वाले बच्चों का रंग बड़े बंदरों की तुलना में गाढ़ा होता है, जो उम्र बढ़ने पर धीरे धीरे हल्का होता जाता है और अंत में वह ग्रे रंग का हो जाता है। नवजात बच्चे के विशेष रंग के कारण ही माँ उसकी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से सतर्क रहती है। लंगूर आमतौर से इंसानी बस्ती से दूर जंगलों में रहना पसंद करते हैं, पर कुछ जगहों पर ये शहरी इलाकों में भी पाए जाते हैं। इनके आकार, ताकत और इनकी लंबी पूंछ के कारण लाल बंदर इनसे बहुत डरते हैं। यही कारण है कि बहुत सी जगहों पर लाल बंदरों को भगाने के लिए लंगूरों का इस्तेमाल किया जाता है। लंगूर बंदरों के झुंड का नेता वही बनता है जो सबसे शक्तिशाली और आक्रामक होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है झुंड में अपना दबदबा बनाए रखना और बाहरी खतरों से झुंड की रक्षा करना। इसीलिए झुंड के सभी बंदर अपने नेता के एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। लावूल गांव में जिस बंदरिया के बच्चे को कुत्तों ने मार दिया, वह बंदरिया अपने झुंड के नेता की बेहद करीब थी। उस समय वह अपने झुंड से अलग हो गई थी। जब कुत्तों ने अचानक उस पर हमला किया तो घबराहट में उसका बच्चा छिटक कर दूर जा गिरा और कुत्तों के हत्थे चढ़ गया। बंदरिया ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इस प्रयास में वह खुद भी बुरी तरह से घायल हो गई, पर फिर भी अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। बंदरिया की आवाज को सुनकर उसके झुंड के बाकी के बंदर भी कुछ ही पलों में उसके पास पहुंच गए, पर तब तक कुत्तों ने उसके बच्चे का काम तमाम कर दिया था। बंदरों ने जब उस बच्चे के छिन्न भिन्न शरीर और उसकी माँ के विलाप को देखा तो वे क्रोध से पागल हो उठे और तभी से उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ठान लिया। अब वे बंदर पूरे झुंड के साथ कुत्तों पर आक्रमण करते हैं और उनमें से सबसे छोटे कुत्ते को लेकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इसके बाद वे पेड़ की सबसे ऊंची डाल से पिल्ले को नीचे गिरा देते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। 100 से अधिक पिल्लों को मारने और 3 महीने से अधिक का वक्फा बीत जाने के बाद भी लंगूरों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। इससे पता चलता है कि वे अपने समूह के प्रति कितने समर्पित होते हैं। पर बंदरों का यह बदला अब इंसानों के लिए भी भारी पड़ने लगा है, क्योंकि अक्सर कुत्तों को बचाने और कभी कभी उनके रास्ते में आ जाने के कारण वे भी घायल हो जाते हैं। यही कारण है कि वन विभाग के अधिकारी भी सचेत हो गए हैं। उन्होंने बंदरों के समूह के 2 सबसे आक्रामक सदस्यों को पकड़ लिया है। उम्मीद की जाती है कि इससे बंदरों का मनोबल थोड़ा कमजोर होगा और जल्द ही कुत्तों और बंदरों की यह गैंगवार समाप्त हो जाएगी।